नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ जयसवाल सर। हम पढ़ रहे हैं क्लास 9 साइंस चैप्टर ग्रेविटेशन। सो वी वर एट एक्सरसाइजेस। नाउ लेट अस सॉल्व फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन आस्क, अर्थ एंड मून अट्रैक्ट्स ईच अदर बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। डज द अर्थ अट्रैक्ट्स मून विद ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल फोर्स विद विच मून अट्रैक्ट्स अर्थ? सो द ग्रेविटेशनल फोर्स is abided by Newton's third law of motion. This is force on earth by moon and this is force on moon by earth. So gravitational force is abided by, yani wo Newton ke third law of motion se bandha hua hai, abided by न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सो हेंस द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन मून, सो द फोर्स exerted by earth on moon is equal in magnitude to the gravitational force, यहां भी gravitational force होगा, to the gravitational फोर्स एक्सर्टेड बाई, सो यहां पर बाई अर्थ ऑन मून है, सो एक्सर्टेड बाई मून ऑन अर्थ, मून ऑन अर्थ एंड बोथ आर इन इक्वल एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दोनों इक्वल तो हैं लेकिन एक इधर है तो एक इधर है, एंड बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। दीज पेयर ऑफ फोर्सेस कंस्टिट्यूट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। दीज पेयर ऑफ फोर्सेस कंस्टिट्यूट एक्शन एंड रिएक्शन पेयर्स। तो ये एक्शन एंड रिएक्शन पेयर है तो इन्हें इक्वल होना ही है। और आप ऐसे भी दिखा सकते हैं कि फोर्स ऑन अर्थ बाय मून इज इक्वल टू, इसका मतलब है फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है तो ऐसे लिखा जाता है, माइनस फोर्स ऑन मून बाय अर्थ, ऐसे लिखा जा सकता है बाई न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसको कहेंगे ऑन अर्थ बाई मून, जिस पर फोर्स लगता है उसे पहले लिखा जाता है, और ऑन मून बाई अर्थ। सो ये दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और माइनस साइन बताता है कि अपोजिट इन डायरेक्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, वाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स मून? मून तो चक्कर लगा रहा है अर्थ के, तो फिर बात पूछी गई है अगर दोनों इक्वल फोर्स से अट्रैक्ट होते हैं तो अर्थ क्यों नहीं चक्कर लगाती मून का, वाई डज अर्थ नॉट अप्रोचेस टू मून? इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, Why does the earth not move towards moon? Why does the earth not move towards moon?
देखिए, दो चीज़ होती हैं, एक इस लाइटर होती है और दूसरी हैवियर होती है। मान लीजिए कोई चीज़ है और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा है एम मास का, और ये अर्थ है तो इसका मास एम ही होगा और इसका रेडियस आर ही होगा। तो इस ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगेगा, इस चीज़ को हम समझ लें फिर इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो वो जो फोर्स लगेगा वो इस पे लगने वाला वेट है, क्योंकि अर्थ इसको डाउनवर्ड पुल करेगी। तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या होगा, जी दोनों का मास एम एम ई बाई आर ई स्क्वायर। तो अब इस मास को अगर हम कर लें अलग, तो फिर जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर आ जाएगा। इसकी वैल्यू क्या होगी, मास हमने अलग कर लिया और बाकी चीज हमने एक साथ लिख ली, ये जी कहलाता है। इसको हमने कैलकुलेट किया था, यही 9.8 था। तो इट इज इक्वल्स टू एम जी। तो किसी भी, अब इस चीज पर कितना फोर्स लग रहा है, एम जी। तो अगर अर्थ इसे एम जी से खींच रही है अपनी ओर, तो ये भी अर्थ को अपनी तरफ एम जी से ही खींचेगा। तो अब अगर मान लीजिए इस चीज का मास 1 kg है, 1 kg थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, तो फिर ऐसे केस में मास 1 kg हो जाएगा और जी 9.8 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9.8 न्यूटन। दोनों एक दूसरे पर 9.8 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे। अब देखिए, अगर जो भी फोर्स होता है वो मास इंटू एक्सीलरेशन होता है। सो फॉर ऑब्जेक्ट क्या होगा, नाउ ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स दोनों पे इतना ही लगेगा बट अपोजिट लगेगा। अर्थ इस पर इतना फोर्स लगाएगी और ये अर्थ पर इतना फोर्स लगाएगा। तो हम जानते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन, ये तो होता ही है। तो फोर्स कितना है, 9.8। मास ऑब्जेक्ट का कितना है, 1, और एक्सीलरेशन निकाल लो कितना हो जाएगा। तो एक्सीलरेशन हो जाएगा 9.8। तो ये बड़ी तेजी से अर्थ की ओर भागेगा, इसको फ्री फॉल की पोजीशन कहेंगे। तो इसका मतलब है कि एक्सीलरेशन 9.8 m/s² फॉर ऑब्जेक्ट। ये चीज फॉर ऑब्जेक्ट हुई, लेकिन ये तो हमने यहां पर निकाला भी है फॉर ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट के लिए आ गया। बट यही फोर्स, बट द सेम फोर्स विल एक्ट ऑन अर्थ बाई ऑब्जेक्ट। ये तो ऑन ऑब्जेक्ट बाई अर्थ था ये, लेकिन अभी हमने ऊपर सवाल पढ़ा, उसमें लिखा है कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल है। सो द सेम फोर्स जो भी ऑब्जेक्ट पे वेट एक्ट करता है, तो अर्थ पे भी वही फोर्स एक्ट करता है। तो द सेम फोर्स फोर्स ऑन अर्थ बाई ऑब्जेक्ट विल ऑल्सो बी 9.8 न्यूटन। जब ऑब्जेक्ट पे 9.8 है तो अर्थ पे भी 9 पॉइंट होगा, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है। तो जरा देखें, फिर से न्यूटन का लॉ लगाएं। अब हम अर्थ के लिए लगाएं कि क्या होगा, देखें उसका एक्सीलरेशन। एफ इज इक्वल्स टू एम ए फॉर अर्थ, लेकिन अब यहां पर जो एम हमें लेना पड़ेगा दैट विल बी मास ऑफ अर्थ। तो क्योंकि किसी भी चीज पर एक्सीलरेशन लेना है तो उसी का मास लेना होता है, तो यहां पर मैं एम ई लिख देता हूं। हाँ, फोर्स इस पर 9.8 लग रहा है। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, 6 × 10^24। अब जरा अर्थ के लिए एक्सीलरेशन निकालो कि कितनी कितनी तेजी से वो ऑब्जेक्ट की ओर भागेगी। 9.8 न लेके थोड़ी देर अप्रोक्सीमेटली 10 ले लो, ये तो हमें समझना है, कई जगह 10 लिया भी जाता है। तो 6 × 10^24 इट इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ऑन अर्थ। अर्थ पे एक्सीलरेशन हम निकाल रहे हैं कि कितना होगा। अब ये 6 से इसको कट कर दो, तो 6 × 1 = 6, और फिर इसके बाद 4 बचेगा, 40, तो 0.625, और इंटू 6 इसको कट कर दिया 6 से 10 को, और ये जो चीज है 10^-24, तो दिस विल बी एक्सीलरेशन ऑन अर्थ। अब अगर आप डेसिमल लगाना चाहोगे तो कितना डेसिमल के पहले जीरो लगेगा, जरा देखो तो 24, क्योंकि इतने जीरो से डिवाइड करोगे तो उतने पहले डेसिमल खिसक जाएगा, तो 0.00000 ऐसे लगाते ही चले जाओगे आप।
और वो कितने सारे जीरो होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, और उसके बाद 24 है तो एक तो इधर ही चला गया, 24 हो गया, 1, 6, 2, 5, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा एक्सीलरेशन अर्थ पर। तो इतना कम एक्सीलरेशन होगा तो वो कहाँ जाएगी, और हम उसका उसकी स्पीड बढ़ती हुई क्या देखेंगे, आप पूरी जिंदगी चली जाएगी उसको एक mm भी खिसक नहीं देख पाओगे। तो अब किसी भी चीज़ का मास बहुत होगा तो छोटा सा फोर्स उस पर फर्क नहीं डाल पाएगा। मान लीजिए एक पहाड़ कहीं पर रखा हुआ है माउंटेन, अब आप सोचते हो कि उसको 10 न्यूटन के फोर्स से या 9.8 न्यूटन के फोर्स से खिसका लो, तो वो खिसकता जरूर है लेकिन कितना खिसकता है वो हमें भी पता है और आपको भी पता है। 10 न्यूटन का फोर्स, अगर मान लीजिए फ्रिक्शन नहीं भी है और आप बिल्कुल फ्रिक्शनलेस सर्फेस पर ट्रक खड़ी है, तो 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए तो आपको पता है वो कितना चलेगा, वो इट विल बी अ बिट शिफ्टेड, बहुत थोड़ा सा शिफ्ट होगा। तो वही चीज़ यहाँ पूछी गई है कि ये तो ऑब्जेक्ट और अर्थ के बीच हुआ, ऐसा ही मून और अर्थ के बीच में भी होता है क्योंकि मून का मास कम है तो फोर्स दोनों में इक्वल लगेगा, लेकिन वो फोर्स मून को रिवॉल्व कराने के लिए काफी है बट अर्थ उस थोड़े से फोर्स से बहुत थोड़ा सा ही शिफ्ट होती है जो कि हम लोग परसीव नहीं कर पाते। तो इसी चीज का आंसर हम देने जा रहे हैं ना। लेट अस सी कि द अर्थ अट्रैक्ट्स द मून, तो फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, तो वही बात यहां पर है, न्यूटन का सेकेंड लॉ ही लगेगा, फ्रॉम न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इट कैन बी कंक्लूडेड दैट द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड इन ए बॉडी, दैट द एक्सीलरेशन produced in a body is inversely proportional to its mass, कैसे यहां देख लो, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, एक्सीलरेशन विल बी इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, ए है एम को नीचे ले जाओ, सो एक्सीलरेशन इज एफ बाई एम क्योंकि एफ इज इक्वल टू एम ए, तो ए इज इक्वल टू एफ बाई एम, यहां से आप देख लीजिए तो ए इज एफ बाई एम, तो मास ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा, ये हमने देख ही लिया, मास ज्यादा था तो एक्सीलरेशन कितना कम हो गया। तो यहां पर भी हमने 1 से डिवाइड किया था, हमेशा 1 से डिवाइड करना, लेकिन यहां कुछ फर्क नहीं पड़ा, ए इज ऑलवेज एफ बाई एम, यहां भी किया बट यहां बहुत कम हो गया। सो एक्सीलरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल, फोर्स दोनों में कांस्टेंट है क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स है, लेकिन मास दोनों का अलग अलग है, मून का मास अलग है और अर्थ का मास अलग है। सो नाउ ड्यू टू वेरी लार्ज मास ऑफ अर्थ, मून से 100 टाइम्स इसका मास ज्यादा होता है, मून का मास 7.2 × 10^22 kg होता है। वेरी लार्ज मास ऑफ अर्थ द ग्रेविटेशनल फोर्स द एक्सीलरेशन प्रोड्यूस्ड ऑन अर्थ, अगर मास ज्यादा होगा तो एक्सीलरेशन कम होगा,
प्रोड्यूस्ड ऑन अर्थ ड्यू टू मून्स ग्रेविटी इज वेरी लेस. तो मास ज्यादा हो गया तो एक्सीलरेशन कम हो गया, अर्थ पर बहुत कम एक्सीलरेशन लगा. हम तो यहां भी देख रहे हैं, तो जो भी फोर्स है, फोर्स मून और अर्थ का इक्वल है, लेकिन मास अर्थ का ज्यादा है तो एक्सीलरेशन 100 गुना कम है. वेरी लेस, हेंस ऑन अदर साइड मास ऑफ मून इज 100 टाइम्स. अगर मास कम हो जाए तो एक्सीलरेशन बढ़ जाए. 100 टाइम्स स्मॉलर, तो मून तो हल्का है, 100 टाइम्स स्मॉलर देन मास ऑफ अर्थ. मास ऑफ अर्थ, सो इस केस में क्या होगा? सो एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन मून इज ग्रेट, फार ग्रेटर. सो एक्सीलरेशन एक्टिंग ऑन मून इज फार ग्रेटर, बहुत ज्यादा होता है, 100 गुना ज्यादा होता है. दो द फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ आर सेम बट ड्यू टू वेरिएशन इट ऑल डिफर्स. Hence we do not see the earth move towards moon. Hence we do not see the earth moving towards moon. ऐसा अर्थ और सन के साथ भी है. सन तो अर्थ से 10 लाख गुना भारी है, 1 मिलियन टाइम्स हैवियर है. तो आप समझ सकते हैं कि उस पर लगने वाला एक्सीलरेशन 1 मिलियन टाइम्स स्मॉलर होगा. फोर्स दोनों में सेम. नाउ क्वेश्चन नंबर 7 सेज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. नाउ क्वेश्चन नंबर 8, what is the acceleration of free fall? What is the acceleration of free fall? If an object is just released from a height, then the acceleration acting on it is 9.8 meter per second square. So the falling of an object from a height towards earth, the falling of an object from a height towards earth, if it is purely under gravitational force, और कोई force उस पर काम ना कर रहा हो, if it is purely under gravitational force, is called free fall. उसको फ्री फॉल कहते हैं, उस पर कोई भी दूसरा फोर्स काम नहीं कर रहा है. एंड इट मूव्स टूवर्ड्स अर्थ अंडर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन. Whose value is nine point eight meter per second square towards the center of Earth.
क्योंकि एक्सेलरेशन है तो वेक्टर क्वांटिटी है, हमें लिखना पड़ेगा डायरेक्टेड टूवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इट इज डिनोटेड बाई जी एंड टर्म्ड एज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। इसको हम ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। नाइन्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स। बिटवीन द अर्थ एंड द ऑब्जेक्ट एंड एन ऑब्जेक्ट। नाउ द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अर्थ ग्रेविटी। द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड अर्थ ग्रेविटी। उसके बीच जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसे अर्थ की ग्रेविटी कहेंगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट अमित बाईज फ्यू ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स एज पर द इंस्ट्रक्शन ऑफ हिज फ्रेंड्स। सो ग्राम्स ऑफ गोल्ड एट द पोल्स, एट द पोल्स एज पर इंस्ट्रक्शन ऑफ वन ऑफ हिज फ्रेंड्स। His friend he hands over the same when he meets him at equator. He hands over the same पोल पर खरीदता है और इक्वेटर पर अपने दोस्त को दे देता है। The same when he meets him at equator. Will his friend agree with the weight of gold bought or not? Will his friend agree with the weight of gold bought or not? और नॉट ये पूछा गया है कि वो एग्री करेगा कि नहीं करेगा। नाउ आंसर
अर्थ इज लिटिल ओवल, सो इट इज लिटिल लाइक दिस, एंड दीज आर द पोल, दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल, सो दीज टू प्लेसेज आर पोल्स, एंड द लाइन विच इज डिवाइडिंग सब डिवाइडिंग अर्थ इंटू टू हेमीस्फेयर, नॉर्दर्न हेमीस्फेयर एंड सदर्न हेमीस्फेयर, इट इज इक्वेटर. So at pole the value of G is equals to 9.81 meter per second square. Now the value of G is greater at poles, and at equator value of G is 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो इक्वेटर पर इसकी वैल्यू कम होती है और पोल पर ज्यादा होती है, क्योंकि थोड़ी सी चपटी है अर्थ, तो उस वजह से जी डिफर करता है, क्योंकि ये सेंटर के ज्यादा पास है और आर के कम होने पर जी की वैल्यू ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हम जानते हैं जी क्या होता है, जी इज इक्वल टू, क्योंकि यहां से फिर सेंटर अगर आप ये देखो तो ये ज्यादा पास है, क्योंकि अगर आप इसमें राउंड करोगे तो ये पॉइंट इससे ज्यादा पास है, इक्वेटर दूर हो गया, तो यहाँ R बढ़ गया तो G कम हो गया, और यहाँ R कम हो गया तो G बढ़ गया, क्योंकि हम जानते हैं G का फॉर्मूला, इट इज जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर, तो रेडियस ऑफ अर्थ बदल जाता है, क्योंकि ये ठीक ठीक स्फेरिकल नहीं है, तो यहाँ R बढ़ गया, ये देखो R, तो R ज्यादा है यहाँ से सेंटर में, सेंटर से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है, तो इसलिए जी कम हो जाएगी, यही पूरा जी है, आर के बढ़ने पर डिनोमिनेटर के बढ़ने पर जी कम हो गया, और डिनोमिनेटर अगर कम हो जाए तो जी बढ़ गया. सो इसलिए पोल पर वैल्यू ऑफ जी इज ग्रेटर एट पोल्स देन द वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर. सो वैल्यू ऑफ जी ग्रेटर एट poles than the value of G. Then the value of G at equator and we know that this is the spring balance which is used for measuring. तो इसको मीजर करने के लिए जो स्प्रिंग बैलेंस है, जब इस पर कुछ वेट रखेंगे, किसी ऑर्नामेंट का वेट रखेंगे, तो स्प्रिंग बैलेंस कंप्रेस होता है, तो वहां पर जी की वैल्यू ज्यादा है, और उसी के बेसिस पर यहाँ एक नीडल होती है, तो वो जब ये कंप्रेस होगी तो नीडल रोटेट होगी, तो वहां पर उसका जो मास होगा वो मास ज्यादा दिखाएगी, क्योंकि ये ज्यादा कंप्रेस हो जाएगी, तो इस स्प्रिंग के कंप्रेस होने से ये नीडल रोटेट होती है, रोटेट कर सकती है, तो वहां पर जब हम इस पर कोई चीज रखेंगे तो वहां दिखा देगी कि ये 4 ग्राम की है, क्योंकि उस पर वेट ज्यादा पड़ा, स्प्रिंग बैलेंस है, जितने तराजू वाले यहाँ होते हैं सब्जी वाले सब सबके पास स्प्रिंग बैलेंस है, जब वो उसमें सब्जी रखते हैं तो स्प्रिंग कंप्रेस होती है और उसी के बेसिस पर रीडिंग आती है या मास आता है, तो उनके पास एक तरीके की इलेक्ट्रिकल स्प्रिंग बैलेंस होती है. सो वहां पर वैल्यू ऑफ जी एट इक्वेटर से पोल पर वैल्यू ऑफ जी ज्यादा है, वहां पर 9.81 है जबकि इक्वेटर पर 9.79 है, सो इसलिए वहां पर थोड़ा भी मास रखोगे तो ज्यादा उसका वेट दिखाएगी. सो वेट ऑफ एनी मास एट पोल विल बी, सो इसलिए क्या होगा, हम जानते हैं सो डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एम जी, और एम इज इक्वल्स टू जी बाई डब्ल्यू, सो वेयर द वेट इज ग्रेटर, सो द गोल्ड विल बी एट पोल विल बी ऑफ लेसर मास. क्यों? क्योंकि जब कहीं पर वेट ज्यादा हो जाएगा किसी चीज का, जैसे वहां वेट ज्यादा हो गया उस पर स्प्रिंग बैलेंस की वजह से, सो ड्यू टू हायर वेट द मास ऑफ गोल्ड, उसको तो अमाउंट ऑफ गोल्ड ज्यादा चाहिए, वेट से क्या लेना देना, वेट तो वेरी करता है,
मून पे अलग वेट होगा, सन पे अलग होगा, इक्वेटर पे अलग होगा, पोल पे अलग होगा। तो अगर वो पोल से खरीद के लाया है तो वहां वेट ज्यादा है, वेट ज्यादा है। सो ड्यू टू हायर वेट द अमाउंट ऑफ गोल्ड विल बी लेसर। सो ड्यू टू हायर वेट एट पोल अमाउंट ऑफ गोल्ड, अमाउंट ऑफ गोल्ड को मास कहिए, विल बी लेसर, लेसर होगा, जितना वो खरीदेगा उससे वो कम होगा। सो हिज फ्रेंड विल बी डिसप्लीज्ड, सो हिज फ्रेंड विल बी डिसप्लीज, क्योंकि वो कम गोल्ड खरीद के लिए आएगा, वहां पर वो दिखा देगा कि ये मास वाला है, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम, तो वहां पर वेट ज्यादा पड़ रहा था तो वो दिखा देगा, जबकि इसमें कम मास रखा है, लेकिन वहां दिखा देगा कि क्योंकि जो स्प्रिंग बैलेंस है वो तो सब जगह अर्थ में एक ही जैसे यूज होती है, तो यहाँ अगर आप 3 ग्राम भी रखोगे तो 4 ग्राम दिखा देगा, तो क्योंकि वहां पर वेट ज्यादा है, स्प्रिंग ज्यादा दबेगी, तो वेट जी की वजह से ये सब होगा, क्योंकि डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, तो जी के बदलने से वेट बदल गया और उससे यहाँ पर सेम वेट के लिए फिर एम कम हो गया, जी बढ़ गया तो एम कम हो गया, तो एम कम होने की वजह से उसका दोस्त नाराज हो जाएगा, विल बी डिसप्लीज्ड, ये चीज हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द सरफेस ऑफ मून इज, वन सिक्स्थ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन अर्थ, ऑफ द फोर्स ऑन अर्थ, व्हाट इज द वेट इन न्यूटन, इन न्यूटन्स ऑफ ए 10 kg ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ, ऑन द मून एंड ऑन द अर्थ, तो सबसे पहले आप ऑन अर्थ निकालिए, ऑन द अर्थ, अर्थ पे क्या होगा, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू एम जी, एम जी होगा, आप ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी ई ले लें क्योंकि अर्थ पर है, मास है उसका 10 kg, ये लिखा हुआ है, के स्मॉल है, मास इनटू जी दैट इज 9.8, जी अर्थ पर 9.8 है, सो इट इज 98 न्यूटन, सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन अर्थ इज 98 न्यूटन। नाउ वेट ऑन मून, ऑन द मून, सो मून पे क्या होगा, वेट ऑन मून इज 1/6, ये हम लोगों ने पहले डिराइव कर लिया है, किसी भी चीज का वेट हल्का हो जाता है, वेट ऑन अर्थ, वहां पर अगर आप एक बॉल ऊपर फेंकोगे तो वो आराम से आएगी, उतनी देर में आप चाय का 2-3 सिप भी ले सकते हो, अगर वहां उछलोगे आप तो 6 गुना ऊपर उछल जाओगे जितना आप यहाँ पर उछलते हो, सो वहां पर ग्रेविटी उतनी ज्यादा नहीं है, तो
तो और बॉल भी 6 गुना ऊपर जाएगी इस तरीके से। सो वेट ऑन मून इज 1/6 ऑफ वेट ऑन अर्थ, सो 1/6 × 98। जैसा कि हमने ऊपर निकाल लिया है कि वेट ऑन अर्थ कितना है, इतना है, तो यही वैल्यू यहाँ रख दो, 98 है, 98 रख दो और उसकी 1/6 वहां पर होगी। अब 6 से इसको डिवाइड करिए, 6 × 1 = 6, देन इट इज 38, 6 × 6 = 36, फिर 20 बच जाएगा, तो 6 × 3 = 18, ऐसे हो जाएगा, तो 16.3, फिर 2 बचेगा, फिर 20, तो 3 3 लिख सकते हो, ऐसे होगा, और फिर और भी ऐसे ही आते रहेंगे। सो इसलिए 16.3 बार इतने न्यूटन। सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 16.3 बार न्यूटन। सो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून इज 16.3 बार न्यूटन। नाउ अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड। अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड विथ ए वेलोसिटी ऑफ, ऊपर की ओर बॉल फेंकी गई है और इनिशियल स्पीड कितनी थी, 49 मीटर पर सेकेंड जिसने फेंकी। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट टू विच इट राइजेस, कितने हाइट तक गई, मैक्सिमम हाइट अटेंड, और दूसरी चीज पूछी गई है द टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू सरफेस ऑफ अर्थ, वापस कितनी देर में आएगी, टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू अर्थ, ऐसी चीज पूछी गई है। तो एक बॉल अगर ऊपर फेंकी गई है तो एट टॉप मोस्ट पॉइंट पर जहां पे वो पहुंचेगी वहां पर उसकी फाइनल वेलोसिटी तो 0 हो जाएगी। अच्छा, जो इस इनिशियल स्पीड जिससे फेंकी गई है वो 49 मीटर पर सेकेंड है। चूंकि चीज ऊपर फेंकी जा रही है सो एक्सिलरेशन इज इक्वल टू -g लिख सकते हो या -9.8 सीधा भी लिख सकते हो, क्योंकि g की वैल्यू 9.8 होती, g कभी निगेटिव नहीं होता, तो ऐसा होगा। यही सब चीज दी और कुछ नहीं दिया है, तो हम ये पता कर लें कि वो किस हाइट तक राइज करेगा। तो फर्स्ट पॉइंट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर -2gh, एस ना लिखो, एच लिख दो, क्योंकि जो हाइट होती है वो डिस्टेंस लिखने से ठीक नहीं, उसे हाइट ही लिखा जाना चाहिए, एच लिख दो। और माइनस लगा दिया क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया कि ऊपर फेंकी जाएगी, तो फार्मूला है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर +2as, लेकिन प्लस ना लगा करके -g लगा दिया। फार्मूला, एक्चुअल फार्मूला मैं लिख देता हूँ, ए वी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारी थर्ड काइनामेटिक इक्वेशन है। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर +2as, तो ए की जगह मैंने -g लिखा है क्योंकि चीज ऊपर फेंकी जा रही है, और एस की जगह एच लिखना ठीक रहेगा क्योंकि डिस्टेंस तो होती नहीं है हाइट, तो बाकी चीजें तो वही लिखी है। वी कितना है, 0। शुरुआत में कितनी स्पीड से फेंकी गई, 49। जी कितना है, जी इज 9.8। एच हमें पता लगाना है कि कितने हाइट में जाकर के उसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी, जब 0 हो जाएगी तो खुद ही लौटने लगेगी, तो 49 स्क्वायर, ये सारी चीजें इधर ले आओ, तो 2 × 9.8 × h इज इक्वल टू 49 का स्क्वायर, 49 × 49 लिख लो, और ये चीज इधर ले आए। एच हमें चाहिए तो एच यहीं रखिए, और 49 × 49 और 9.8 ऐसे कर लो। अब
9.8 का डेसिमल हटाओगे तो यहाँ जीरो बढ़ जाएगा, और ये 7 से कट कर लो, 7 1 जा 7 और 7 4 जा 28, 7 से इसको भी कट कर लो, 7 7 जा 49 और जीरो, और फिर से 7 से कट कर लो, 7 2 जा 14 और 7 से इसको कट करोगे 10। अब इसको 2 से कट कर लो तो ये 5 हो गया, ऐसा हो गया। नाउ हाइट कितनी हो गई, इससे हम हाइट पता लगा सकते हैं। सो इसका इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 9 जा 45 और 5 4 जा 20, तो इट इज 24 हो गया, क्योंकि 4 कैरी भी रहा। तो हाइट कितनी हो गई, अब 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, फिर 1 बचेगा डेसिमल लगा के, 2 5 जा 10, इतने मीटर। तो अगर बॉल इस स्पीड से फेंकी जाएगी 49 मीटर पर सेकंड से, तो वो 122 मीटर जाएगी। 122 मीटर बहुत होता है, 123 मीटर पर तो एक मंजिल हो जाती है, 40 मंजिला इमारत तक पहुंच जाएगी। तो आप देख लीजिए कितना ऊंचा जाएगी। ये तो हाइट हो गई। फिर वो कह रहे हैं कि अब यहाँ से वो बॉल लौटेगी, लौटेगी भी और फिर नीचे भी आ जाएगी, धीरे धीरे वो नीचे आती जाएगी और लौट आएगी, यहीं ग्राउंड पे आ जाएगी जहाँ से फेंकी गई, फिर लौटेगी। तो जब ग्राउंड पे आ जाएगी तो उसकी डिस्टेंस ट्रेवल जीरो हो जाएगी। तो अब हम जो सेकंड क्वेश्चन करेंगे, सो व्हेन इट रिटर्न्स बैक टू ग्राउंड, व्हेन इट रिटर्न्स टू ग्राउंड, तो जो एस होगा या एच होगा वो जीरो हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट तब फिर जीरो हो जाएगा ग्राउंड पे लौटने पर। अच्छा, हमें टाइम चाहिए, U हमको पता है, हमने 49 मीटर पर सेकंड से फेंका था, और हमको ये भी पता है ऊपर फेंका था, तो ऊपर फेंका था तो एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस जी या माइनस 9.8 मीटर पर सेकंड लिख देंगे, पर सेकंड स्क्वायर। और हमने जब फेंका था तो कहाँ फेंका था उसके हिसाब से देखा जाता है, फिर आगे गई फिर लौटी वो सब नहीं देखा जाता है, वो उसका अपना लुक आफ्टर है। तो हमने ऊपर फेंका इसलिए ये निगेटिव लिया, और जीरो क्योंकि लौट आई, उसके लिए हमें टाइम चाहिए। तो इसमें काइनेमेटिक्स की सेकंड इक्वेशन लगा दो, जो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर है, तो s ना लिख के h लिख दो, जो बच्चे s लिखना चाहे वो s लिख दें, लेकिन थोड़ा सा सुनने में अटपटा लगता है कि दिस हाइट के लिए s लिखा जाए, तो इसीलिए मैं h लिख रहा हूँ। इट इज ut और प्लस हाफ at स्क्वायर मत लिखना, हाफ gt स्क्वायर, और अगर प्लस हाफ at स्क्वायर लिखते भी हो तो फिर a की जगह माइनस 9.8 रख देना, बात सही हो जाएगी। फार्मूला वही लिखो, ए की जगह माइनस 9.8 रख दो, कुछ भी ना बदलो कहीं भी, बिल्कुल सही है, वही चीज की ही है। तो ऐसा भी किया जा सकता है। अब देखिए, तो इससे क्या पता चलता है, एच की जगह जीरो रख दो, यू 49, टी का पता नहीं, माइनस हाफ इंटू जी की वैल्यू 9.8 टी स्क्वायर, टी तो नहीं पता है लेकिन इस 2 से ये कट जाएगा, तो 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18, 4.9 आ गया। तो अब यहां पर जो वैल्यू आई है उसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं टी क्या निकल के आता है। सो यहाँ क्या क्या चीजें आ गई, 49t आ गया और माइनस 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि दूसरी तरफ जीरो है तो जीरो लिख दिया। अब 49 को क्या लिखा जा सकता है, 4.9 × 10, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मुझे कॉमन निकालना है 4.9, और माइनस 4.9 टी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो 4.9 भी कॉमन निकाल लो, टी भी कॉमन निकाल लो, यहाँ 10 बचा और यहाँ सिर्फ टी बचा, इज इक्वल टू जीरो।
एक्चुअली आप यहाँ से सीधा भी 4.9 निकाल सकते हो, यहाँ 10 बच जाएगा। अब दो चीजें आ गई, ये तो कॉमन आ गया। तो दो चीजों का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो या पहली चीज जीरो होगी या दूसरी चीज जीरो होगी, क्योंकि तभी जीरो हो सकता है दो चीजों का प्रोडक्ट। तो 4.9t जीरो है या फिर 10-t जीरो है। अगर 4.9t जीरो है तो t इज इक्वल टू 0/4.9, तो t इज इक्वल टू 0। ये वो टाइम है जब ऑब्जेक्ट फेंका ही नहीं गया हो, जस्ट शुरुआत है, तब भी उसकी हाइट जीरो होगी। और यहां से क्या आ जाएगा कि 10 इज इक्वल टू t, दैट इज t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। एक तो शुरुआत में जब ऑब्जेक्ट फेंका जाने वाला है तब भी टाइम जीरो है, और 10 सेकेंड बाद जब ऑब्जेक्ट लौट आ जाता है तब भी उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है। तो दोनों ही केसेस में, शुरू में भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है और 10 सेकेंड बाद जब वो लौट आएगा तो भी डिस्प्लेसमेंट जीरो है, क्योंकि उसे 5 सेकेंड ऊपर जाने में लगेंगे, 5 सेकेंड लौटने में लगेंगे। तो 5 + 5 10 सेकेंड हो जाएंगे। इस तरीके से द टाइम ऑफ ड्यूरेशन इन विच या टाइम ऑफ रिटर्निंग इज 10 सेकेंड, ऑफ रिटर्निंग इज 10 सेकेंड। कुछ बच्चे दूसरे तरीके से करते हैं, उनका भी मैं तरीका बता दूं। वो कहते हैं कि मैं ये निकाल लूंगा कि पहले वो ऊपर जाने में कितना उसने समय लिया, और फिर उसका डबल कर देंगे, क्योंकि टाइम टू गो अपवर्ड इज टाइम टू गो डाउनवर्ड, उसका डबल करके भी निकाल लेते हैं। जैसे हमने निकाला हाइट कितनी है, हाइट है 122.5, ऐसा निकाल लिया था, तो उसी के बेसिस पर वो टाइम का कैलकुलेशन कर लेते हैं कि फिर टाइम कितना लगेगा। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh, ये लगा दिया, प्लस 2as होता है लेकिन a की जगह माइनस जी लिख लिया। आप प्लस 2as लिख कर a की जगह -9.8 रख दें तो भी ठीक रहेगा। अब देखें, नाउ टाइम यहां पर आप देख लें कि टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट, तो टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट के लिए आप ये ना करें, फर्स्ट फार्मूला लगा लें, उससे निकल आए, दैट इज वी इज इक्वल टू यू प्लस 80 होता है तो यू माइनस जी टी कर दो। वी कितना है, फाइनल वेलोसिटी 0, यू कितना था 49, जी कितना है 9.8 इंटू टी, तो इसको इधर ले आओ 9.8 टी, और वहां पर 49 लिखो, टी यहीं रहने दो, 49/9.8, डेसिमल हटा दो तो 0 बढ़ जाए। अब 7 से इसे कट करो, सो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 7 से इसे भी कट करो तो इट इज 7 7 जा 49 और 0, फिर 7 से कट कर दो 10 और ये 2, फिर 2 से इसे कट कर दो तो 5। सो टी इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। सो ऑब्जेक्ट विल टेक 5 सेकेंड टू एट हाईएस्ट पॉइंट एंड इट विल टेक 5 मोर सेकेंड टू कम बैक, ऐसे भी कर सकते हो, सो इट विल टेक टोटल 10 सेकेंड। दोनों में से ये ज्यादा आसान तरीका, ऐसे भी कर सकते हो। सो ऑब्जेक्ट विल टेक 5 सेकेंड टू गो टू जो भी हाईएस्ट पॉइंट तक पहुंचने में वो कितना समय लेगा, 5 सेकेंड हाईएस्ट पॉइंट। एंड 5 मोर सेकेंड टू कम बैक टू ग्राउंड। सो टोटल टाइम टेकन इज 10 सेकेंड। सो टोटल टाइम टेकन इज 10 सेकेंड, ऐसे कर लेना जो पसंद आए। एक हमने डिस्प्लेसमेंट 0 रख के किया
और ये मर्जी हो यो कर, ये कर लीजिए जो आपको समझ में आए या जो अच्छा लगे सिंपल लगे वही कर ले। नाउ अ स्टोन इज रिलीज्ड, एस चांद ने ये मेथड दिया है तो ये मेथड भी आप कर सकते हो। अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर इज रिलीज्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड, कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड। आसान सा सवाल है, कहा जा रहा है कि अगर किसी टावर से किसी पत्थर को फेंका गया, ये एक टावर है, तो यहां से कोई एक स्टोन गिरा दिया गया, तो अब इस स्टोन को गिराया गया है तो ये यहां पर आ जाएगा, तो इसकी यहां पर इसकी फाइनल वेलोसिटी पता करनी है, जबकि ये रिलीज किया गया है, तो रिलीज किया है तो 0 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है, और ये जो टावर है ये 19.6 मीटर ऊंचा है, 6 मंजिला इमारत है, 3 मीटर का एक मंजिल होती है, तो ऐसा है। अब देखें हमको क्या चाहिए, फाइनल वेलोसिटी चाहिए और एस भी दिया है, सो एस इज इक्वल्स टू, आप थर्ड फार्मूला लगा दें उसमें टाइम की जरूरत नहीं पड़ेगी, सो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर, देखिए प्लस 2gh लिखा है, क्यों लिखा, क्योंकि अगर चीज नीचे फेंकी जाएगी तो एक्सीलरेशन पॉजिटिव होगा, तो प्लस होगा क्योंकि उसकी स्पीड बढ़ती चली जाएगी, ये हमें देखना है हमेशा कि स्पीड बढ़ रही कि कम हो रही, नीचे आएगी चीज तो स्पीड बढ़ेगी, ऊपर जाती तो कम होती, तो पिछले सवाल में ऊपर गया था तो हमने ये निगेटिव लिया था, अब नीचे आ रही है तो प्लस लेंगे, सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि स्पीड बढ़ रही कि कम हो रही, एक्सीलरेशन है कि डेसीलरेशन। अब देखिए फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियली तो इसकी जीरो थी क्योंकि वो फ्री फॉल कंडीशन में गिर रहा है, प्लस 2 × 9.8 और हाइट इसकी कितनी है 19.6, तो v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, जीरो स्क्वायर का कोई मतलब नहीं है, 2 × 9.8 को मल्टीप्लाई करो तो ये 19.6 हो गया और ये भी 19.6, क्योंकि इसको इसमें मल्टीप्लाई करोगे 19.6 हो जाएगा, तो v इज इक्वल्स टू रूट के अंदर 19.6 × 19.6, तो अब 19.6 का जोड़ा बन गया है तो एक ही बाहर आएगा, रूट में जब कोई चीज जोड़े में होती तो एक बाहर आता है 19.6, वरना 19.6 का स्क्वायर भी कर सकते हो तो स्क्वायर और हाफ पावर कट जाएगी, ऐसा भी कर सकते हो। सो द स्पीड ऑफ स्टोन बिफोर जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इज 19.6 मीटर पर सेकंड, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आप लिख लें, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट अवश्य लिखें, स्पीड ऑफ स्टोन जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड इज 19.6 मीटर पर सेकेंड, सो ऐसा पूछा गया है। नेक्स्ट इज अ स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, अगले क्वेश्चन में कहा गया है, अब पत्थर ऊपर फेंका जा रहा है, स्टोन इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड
विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड, विद एन इनिशियल वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से वो ऊपर फेंका गया है। टेकिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, जी तो हमेशा पॉजिटिव होता है, ए की वैल्यू निगेटिव हो सकती है क्योंकि जी का फार्मूला हमें पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच द स्टोन, सारे सवाल एक जैसे ही हैं, काइनामेटिक्स पे ही काम करेंगे। फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन, तो वो मैक्सिमम हाइट कितनी होगी। व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय स्टोन व्हेन इट फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, व्हाट इज द नेट डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड, कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड व्हेन इट फॉल्स बैक टू द ग्राउंड, जब नीचे ही आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो हो जाएगा। और जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है वो मैक्सिमम हाइट का डबल कर दो, जितना ऊपर गया उतना ही नीचे आएगा, तो ये तो वर्बली हो जाएगा दूसरा पार्ट, बस हमें मैक्सिमम हाइट कवर्ड निकालनी है। क्या क्या चीज दी है, कोई भी स्टोन ऊपर फेंका गया तो उसकी इनिशियल स्पीड कितनी थी, यू वाज 40 मीटर पर सेकेंड, मान लीजिए यहां तक वो पहुंच गया, तो जो हाईएस्ट पॉइंट पे तो इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, तभी वो लौटेगा, जब जीरो हो जाएगी तो ग्रेविटी खींच लेगी। अच्छा, जो मैक्सिमम हाइट होगी वो एच, वो हमें निकालनी है, फिर उसका डबल कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगी। जब चीज ऊपर फेंकी जा रही है तो एक्सीलरेशन की वैल्यू माइनस ले लेंगे तो उससे हमको पता चल जाएगा। इसमें जी की वैल्यू कही है 10 लेने को तो हम 10 ही ले लेंगे, लेकिन ऊपर फेंक रहे हैं तो ये एक डेसिलरेशन है, इस बात का ध्यान रखिए, ऊपर फेंकी हुई चीज में निगेटिव लिखिएगा क्योंकि धीरे धीरे उसकी स्पीड कम होती है, और फार्मूला लगा दीजिए थर्ड वाला, उसमें टाइम का कहीं कुछ है ही नहीं। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एच, एस की जगह एच लिख दिया, एच ठीक लगता है। इट इज थर्ड काइनामेटिक इक्वेशन, ये गति का तीसरा समीकरण है। तो फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, यू कितना था 40 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 इंटू एच, ये हो गया। अब देखिए, तो ये दोनों चीज उधर ले आओ तो ये 20h हो गया, तो 20h इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर, तो 40 इंटू 40 कर लो तो एच कितना हो जाएगा 40 इंटू 40 बाई 20, और 20 से इसे कट करो तो 2, और फिर 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 80 मीटर आ गया आंसर। तो क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन, सो द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन इज 80 मीटर, इसको कंक्लूड कर लो, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय स्टोन is 80 meter when it comes back to ground, then as its initial and final point coincides
डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0 मीटर, जब जहां से फेंका है वहीं आ जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ भी नहीं होगा। एंड टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? इज इक्वल टू 80 तो ऊपर गया और फिर 80 नीचे भी आएगा तो 160 मीटर। सो टोटल डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 160 मीटर। तो इस क्लास के लिए बच्चों इतना ही, नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज के हम और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू बच्चों।